गाइस आप सभी का वेलकम हो चुका है माइनक्राफ्ट की और एक नई वीडियो में। गाइस इस वाले 1.18 वाले वर्जन में माइनक्राफ्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें 4 लेवल्स होने वाले, उसके बारे में मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। एंड गाइस मैं अभी खेल रहा हूँ पॉकेट एडिशन में, एंड ये वाली ट्रिक बेडरॉक एडिशन में भी वर्क करेगी। सो 4 लेवल्स है, फर्स्ट बेसिक लेवल एंड सेकंड है एडवांस लेवल, थर्ड है प्रो मैक्स लेवल, फोर्थ है लेजेंड लेवल। सो सभी में करने वाले फर्स्ट में देखते हैं बेसिक लेवल। इसमें ये कुछ लगने वाले, कुछ पिकैक्स लगने वाले आयरन के, एंड एक स्वॉर्ड लगने वाली है जिसको आप फाइटिंग भी हो सकती है, एंड फुल आर्मर आपको लगेगा यार, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन होनी चाहिए। शवल लगेगा एक, आयरन का आप कौन सा भी ले सकते हो, एंड एक वाटर बकेट, एंड कुछ खाने पीने का मैंने ब्रेड्स लिए है, एंड आप एक शील्ड लेना है आपको, एक बेड लेना है, कुछ टॉर्चेस लेनी है, एंड कुछ कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक्स। ओके गाइस अभी मैं आर्मर पहन लेता हूँ जिससे मुझे प्रोटेक्शन मिल पाया है, एंड अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करता हूँ जैसे कि शील्ड पहन लेता हूँ, एंड टॉर्चेस वगैरह हाथ में ले लेता हूँ, कुछ ब्लॉक्स ले लेता हूँ। एंड चलते अभी मैं माइनिंग की एक ट्रिक बताने वाला हूँ, मतलब ऐसे ही आप करना चाहिए आपको। पहले तो आपको शो कोऑर्डिनेट्स को ऑन कर देना है जिसके आपको कोऑर्डिनेट्स दिखे। एंड गाइस आप देख सकते हो मैं अभी 102 में हूँ, वहाँ पे आपको नीचे जाना है। अभी देख सकते हो मेरा भी 102 था, अभी 101 हो चुका है। एंड इस तरह से आप स्टेयरकेस माइनिंग कर सकते हो, एंड कुछ इस तरह से आपको करना है। कॉबलस्टोन्स भी आएंगे, डर्ट भी आएगी, ग्रेवल्स भी आते हैं, एंड देखो कुछ अंधेरा भी होता है, तो हम साइड में टॉर्च लगाते हुए जाएंगे। सो अभी मैं मिलता हूँ आपको थोड़ा नीचे जाने के बाद। ओके गाइस मैं आ चुका हूँ लेवल नंबर 11 पे, एंड मुझे लैपिस वगैरह भी मिल चुका है। पहले की वर्जन्स में आपको इस लेवल पे मिलते थे आपको डायमंड्स, बट इस वाले वर्जन में आपको नहीं मिलने वाले। एंड ये देखो कुछ रिसोर्सेज भी है देख सकते हैं, मतलब इस वाले लेवल पे मिलते हैं बट बहुत ही ज़्यादा कम मिलता है। बेस्ट लेवल में बताने वाला आगे आपको। ओके माइन कर रहा था, अभी तक पहुँचे भी नहीं है, एंड मुझे दिख चुका है डायमंड्स। सो अब नीचे जाते हुए भी आपको डायमंड्स मिल सकते हैं यार, एंड आपको कुछ इस तरह से देखना है, हर तरफ से आपको कवर मतलब खोल देना है जिससे आपको पता लगे कि आसपास या फिर नीचे लावा वावा तो नहीं है। तो लावा में आप भी गिर सकते हैं, आपके प्यारे डायमंड्स भी गिर सकते हैं, इसलिए ऐसा माइंड करना ज़रूरी है। आप देख सकते हो, फिर आप श्योर हो गए कि नहीं है तो देन आप माइंड कर सकते हो। नीचे से भी आप कर सकते हो, मैं एक बार देख लेता हूँ, नहीं है फिर भी एक बार देख ही लेता हूँ, लावा नहीं है इसके नीचे। ओके नहीं है, सो अभी मुझे मिले 5 डायमंड्स, इन्हें माइंड करता हूँ। 1, 2, 3 and 4 and 5 लास्ट हो गया। सो आप माइंड करते भी आपको डायमंड्स मिल सकते हैं। ओके इसमें माइंड करते करते माइनस 58 वाई कोऑर्डिनेट्स तक आ चुका, आप देख सकते हो। आपको यहाँ पे आने के बाद आपको छोटा मोटा रूम टाइप बनाना है जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो, मतलब आपको रेस्ट करना नहीं है बट फिर भी आप बना लो, क्योंकि आप वहाँ पे चेस्ट लगा सकते हो, बेड वगैरह लगा सकते हो। एंड मैंने छोटा सा एक रूम बना दिया है, इसे और थोड़ा बड़ा करते हैं जिससे खुला, मतलब क्या बोलते हैं उसे, खुला हो जाए थोड़ा। ओके हो चुका है। आप यहाँ से मतलब तीन जगह से आप माइन कर सकते हो। ये फर्स्ट जगह है, आपको रिसोर्सेज भी मिलेंगे लाइक रेडस्टोन एंड अदर, एंड यहाँ पे भी है। ये सेकेंड जगह होगी मेरे माइंड करने के लिए,
एंड ये होने वाली है हमारी थर्ड जगह माइंड करने के लिए। ओके देख सकते हो यहाँ पे टॉर्च लगा देते हैं देता हूँ मैं सो जिससे थोड़ा उजाला हो सके। एंड अभी हमें स्टेट माइन करना है एंड रिसोर्सेज मैं जैसे रेडस्टोन माइन कर लेता हूँ मैं एंड स्टेट माइन करते जाना है एंड देखना हमें डायमंड्स मिलते हैं या फिर नहीं। सो लेट्स गो माइन करता हूँ एंड अंधेरा जैसे ही होगा आपको ये लगाने हैं। एंड मैंने बेड लाया क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन पॉइंट सेट करने हैं। मैंने थोड़ा सा छोटा बनाया है इसलिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ फिलहाल के लिए। मैं ना यहाँ पे रख देता हूँ बेड अपना एंड रिस्पॉन पॉइंट सेट कर देता हूँ ताकि मैं मर गया सो यहीं पे मैं स्पॉन हो जाऊँगा। यस मैं माइन ऐसे कर सकती हूँ लाइक एंड अभी मुझे लावा मिला नहीं। लावा मिला तो आप ऐसे बुझा सकते हो। एंड हाँ गाइस आप ऐसा मतलब इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हो लाइक दिस मतलब लैपिस मिलेंगे तो मुझे इतने स्टैक ही चाहिए रेडस्टोन इतने स्टैक चाहिए डायमंड इतने स्टैक्स चाहिए। लाइक मैंने डायमंड्स के लिए 3 स्टैक कर दिया रेडस्टोन के लिए 2 एंड कॉबलस्टोन के लिए मैं 5 कर रहा हूँ लाइक दिस। मतलब जो भी फालतू कूड़ा आएगा वह आपकी जगह नहीं लेगा। ओके गाइस हमारे सेकेंड माइंड करने की टेक्निक के इसे कहते हैं एडवांस माइनिंग। सो इसके लिए हमें एक पिकैक्स लगेगी। पहले तो मैं अपने नॉर्मल वाले सब कुछ रख देता हूँ एंड बाकी का आपको सब सेम रखना है। वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ चुकी थी मतलब वहाँ पे केव आ चुकी थी इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया एंड दूसरी तरफ से मैं माइनिंग कर रहा हूँ ये देख सकते हो। ओके यस मैं यहाँ से नीचे चला जाता हूँ। ओके यस फाइनली मैं नीचे आ चुका हूँ एंड मैंने पिकैक्स लिया जिसमें अनब्रेकिंग 3 फॉर्चून 3 एफिशिएंसी 5 एंड मेंडिंग लगा है। इतना नहीं होगा फिर भी चलेगा बस फॉर्चून 3 लगाना है आपको। डायमंड पिकैक्स या फिर आयरन पर भी लगा सकते हो एंड यहाँ पर अभी मैं माइनिंग स्टार्ट करता हूँ एंड देखते हैं हमें डायमंड्स मिलते हैं या फिर नहीं। ओके यस डायमंड मुझे दिख चुका है वाह इतनी जल्दी। सो सेम हमें ऐसे मतलब चारों तरफ से देखकर नीचे लावा वावा है या फिर नहीं वो चेक करना है। लेट्स सी कितने डायमंड्स है। ओके मेरी टॉर्च निकल चुकी है यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके यहाँ से भी मैं तोड़ देता हूँ हर तरफ से। ओके यहाँ पे है 5 डायमंड्स एंड ऊपर लावा तो नहीं है ये पक्का हो चुका है। सो इन्हें तोड़ता हूँ नीचे तो होगा नहीं। 1 पहले तो मेरे पास 5 थे वो 5 मैं निकाल लेता हूँ साइड में। ये देखो मुझे 3 मिले अभी ये 5 में फेंक देता हूँ फिलहाल के यहाँ पे। एंड ये 2 ये तीसरा ये चौथा एंड ये 5वां। 5 से हमें देखते कितने मिला है। 5 से मुझे मिले 10 मतलब लिटरली डबल। एक ब्लॉक से आपको 4 मिल सकते हैं प्रोबेबिलिटी होती है फॉर्चून 3 से एंड आपके पास फॉर्चून 3 नहीं है तो फॉर्चून 2 भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके फिर से डायमंड मिल जो वाओ माय लक इज़ वेरी नाइस। अभी मैं नहीं देख रहा कितना है ये 5 है बट लावा वावा है क्या नहीं देख रहा मैं। एंड इससे मिल चुका 25। ये भी बहुत मस्त माइनिंग की ट्रिक है। ओके नेक्स्ट ट्रिक के लिए आपको डायमंड का आर्मर मैं ले रहा हूँ एंड डायमंड की स्वॉर्ड डायमंड का शवल एंड पूरा डायमंड का आर्मर एंड कुछ पोर्शंस भी लेने वाला हूँ वो आपको मैं दिखाता हूँ। बाकी का सामान सारा सेम रहने वाला है। डायमंड का मैं पहले तो एंड आयरन को उतार देता हूँ मैं एंड इन को फेंक देता हूँ फिलहाल के लिए। एंड मेरे पास एक स्पाइडर आई भी आ चुकी है उसे भी फेंक देता हूँ मेरा कुछ काम नहीं है। एंड पोर्शन आपको ले लिया नाइट विजन की। हाँ आप नाइट विजन के लेना है आपको किसके लिए वो बताने वाला हूँ। इस वाले ट्रिक में हम केव में डायमंड्स फाइंड आउट करने वाला है। सो यहाँ पे मुझे केव दिखी थी तो यहाँ से केव में चलता हूँ मैं एंड अभी देख सकते हो कुछ दिख नहीं रहा बट जैसे मैं ये वाला पोशन पीता हूँ यहाँ पे तो देख सकते हो कितना मतलब कितना क्लियर हो चुका है। एंड अभी मैं वाटर वगैरह ट्रिक करने वाला हूँ यहाँ से। हाँ नहीं वही पता है मेरे को मूव हुआ एंड शील्ड का फ़ायदा देख सकते हो यहाँ पे एंड डायमंड के टूल्स है एंड आर्मर है तो अच्छा है। काफ़ी सारे ये है स्पाइडर्स वगैरह इसे मैं पीस देता हूँ बट हाँ आप इन्हें इग्नोर कर देना। अभी भी मैं इग्नोर ही करने वाला हूँ इन्हें क्योंकि ये आते ही रहेंगे। एंड वाटर से मैं नीचे चलता हूँ।
ओके अभी मैं 17 लेवल पे हूँ, यहाँ पे भी मिल सकते हैं, बट मुझे और नीचे में चलता हूँ जिससे बहुत ज़्यादा डायमंड्स मिल सकते हैं। ओके यहाँ से मुझे दिख रहा है नीचे जाने के लिए, यहाँ से चलता हूँ मैं। आपको भी दिख रहे हैं, देखो लैपिस वगैरह सब कुछ मिलने वाला है आपको, आयरन, ये एमेथिस्ट जियोड भी मिल चुके हैं मुझे, एंड मैं वाटर से भी चलता हूँ नीचे। ओके मैं ऐसे ही चल रहा था एंड देख सकती हूँ यहाँ पे पिलर पे मुझे दिख चुका है डायमंड। ये देखो आप वैसे ही सेम टेक्निक यूज कर सकते हो साइड वगैरह से, एंड देख सकते हो मेरे को डायमंड्स मिल चुके हैं। एंड ये मॉब्स खत्म नहीं होने वाले, इसमें एक ही दिक्कत है कि मॉब्स काफ़ी सारे आते हैं एंड ये बिगिनिंग लेवल में काम नहीं आती, क्योंकि देख सकते हो बहुत सारे मॉब्स भी आते हैं एंड नाइट विजन भी लगता है। एंड फिर से और एक काम कर सकते हो, क्रीपर से बच सकते हो, एंड बहुत सारे अभी मैं सीटी भी चलता रहूँगा, इनसे लड़ता रहूँगा, कुछ नहीं होने वाला मेरा। ओके इसमें क्रिएटिव में आ चुका हूँ एंड ये देखो ऐसी कहीं पे भी लगाए हुए हैं, एंड ये सब आप सर्वाइवल में भी कर सकते हो, बस आपको नाइट विजन का पोशन चाहिए एंड अच्छा आर्मर एंड टूल चाहिए। ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, इसे एक्सप्लोर कर सकते हो। ये देखो मिल चुके हैं और एक डायमंड्स, बहुत सारे ऐसे मिलने वाले हैं आपको। मैं आपको और एक ट्रिक बताता हूँ ग्लास वाली, जिससे आप डायमंड्स फाइंड आउट कर सकती हो। मैं एक जगह चूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे लावा है, तो यहाँ पे बस आपको ग्लास प्लेस करना है जिससे कि आप लावा के आर पार देख सकते हो एंड डायमंड्स हो सकते हैं इस लेवल पे, तो आपको मिल भी सकते हैं लक अच्छा हुआ तो। मेरा उतना लक अच्छा नहीं है, मुझे नहीं मिल रहा है, देखता हूँ थोड़ा सा क्लियर करके मिल जाते हैं तो अच्छा है। नहीं आप पूरा बहुत सारे ग्लास लेके ऐसा कर सकती हो, बट सर्वाइवल में ओके फाइनल मिल चुका है। एंड मैं बोल रहा था सर्वाइवल में हो गए तो थोड़ा ध्यान रखना है इन मॉब्स का, स्पेशली स्केलेटन का, वो गिरा भी सकते हैं आपको। एंड ये देखो मुझे यहाँ पे डायमंड्स मिल चुके हैं। ओके ये थर्ड लेवल की है, लेजेंड लेवल, इस जिसके लिए आपको बीकन लगेगा, एक ही लगेगा, मैंने बहुत सारे लिए हैं एंड कुछ आपको आयरन के ब्लॉक्स लगने वाले हैं, मुझे पता नहीं कितने लगेंगे, मैंने 4 स्टैक लिए हैं। एंड आपको अभी नीचे अंडरग्राउंड जाना है। ओके मैं आ चुका हूँ एंड मैंने यहाँ पे बीकन लगा दिया है, एंड ये देखो लगा दिया बीकन, आपको एक आयरन इंगेट लगेगा, मैं वो लाता हूँ अभी कमांड से। ओके मैंने एक आयरन इंगेट ले लिया है, यहाँ पे जाके आपको H2 आएगा, उसे आपको एक्टिवेट करना है एंड देख सकते हो मुझे H2 की पावर लग चुकी है। अभी H2 लगा है, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया बनाने में, बट देख सकते हो कितना पावरफुल होने वाला है आपका एंड आप बहुत फास्ट करने वाला। मेरा तो बस H1 लगा है, H2 लगता था बहुत में मज़ा आता, मतलब 1 क्लिक में 4-5 ब्लॉक तोड़ते हैं, एफिशिएंसी 5 वाली पिकैक्स लगेगी आपको एंड आप बहुत फास्ट माइन कर सकती हो ये बीकन के साथ। एंड मैंने कुछ ब्लॉक्स तोड़ दिया, एंड आपको एक ध्यान रखना है ऊपर तक जहाँ तक आप जाओगे पूरा आपको खुला रखना है। मैंने कुछ टॉर्चेस लगाए थे इसलिए मुझे H2 नहीं मिल रहा था, दिखाता हूँ देखो बीच में कुछ टॉर्चेस वगैरह होंगे, उन्हें आपको तोड़ना है, काफ़ी सारे मैंने टॉर्चेस भी लगाए थे जाते वक्त, इसलिए आप कुछ मत लगाना, आपका ये वर्क करेगा। ओके यही थे आज की वीडियो में 4 ट्रिक्स जिससे आप डायमंड्स को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, एंड कुछ मैं और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ, जिसके लिए लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ये वीडियो आपको दोस्तों से शेयर कर देना है। ओके बाय।